उकबा बिन मसूद सकफी, वो जाता है और जाकर कुरैश को पता क्या बताता है, ये नहीं बताता कि मुसलमानों के पास इतना असला है, मुसलमानों के पास इतनी इतने नेज़े हैं, इतनी तलवारें हैं, वो ये नहीं बताता। वो जाकर एक बात करता है और वो तजिया आज के यहूदों नसारा, आपको इसको रिवल्त मानो में ना ले, सीधी बात कर रहे हैं हम। अगर किसी को बताना है तो ज़्यादा सीधी तरह बताए कि यहूदों नसारा की बात कर रहे हैं और यहूदों नसारा हमारे दोस्त नहीं है। हाँ, हमारे दोस्त नहीं है। अगर उनका नुमाइंदा कोको कोला डा सकता है, उनका नुमाइंदा, उनका फुटबॉलर कोको कोला डा सकता है, तो उनको किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहूदों नसारा की बात के खिलाफ बात करें, वो आके जो मर्जी करते रहे, अगर वो हमारे सच्चे दीन के खिलाफ बकवास कर सकते हैं तो हम उनके झूठे दीन को गलत साबित कर सकते हैं दलाइल के साथ। आज भी इस्लाम गालिब है और कल भी इस्लाम गालिब था और क्या बात तक इस्लाम गालिब रहेगा दलाइल के साथ, दलाइल के साथ, दलाइल के साथ। अब बाजार कुछ नजर आता है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, उनके पास ये है, ये इतनी सहूलतें हैं, ये हालात हैं, ये उनके पास ज़रूरियात हैं। लेकिन सुनो, इस्लाम का चाहने वाला कभी भी तेर और सिपा पर भरोसा नहीं करता। हाँ हाँ, उसको जब भी भरोसा होता है या रहमत खुदा पर होता है या इसके मुस्तफ़ा पर होता है, अल्लाह की रहमत पर भरोसा होता है। अजीज़ान मोहतरम, उरवा बिन मसूद सख़फ़ी किया और उसने जायज़ा पेश किया और ये तजज़िया क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए, ये तजज़िया क़यामत तक। सुना मैं कैसर रूम, रूम किसरा शहनशाह ईरान और नजाशी जो कि हबशा का बादशाह था, मैं हर एक के दरबार में गया हूँ और यही आज की तकरीर का मकसद है। अगर किसी को ये मगज़ सुनकर तकलीफ होती है तो उरवा बिन मसूद सख़फ़ी के पास जाए, हमारे पास ना आए, हमें कुछ ना कहे या सीरत की किताबों से ये वाकया निकाल दे। उरवा बिन मसूद सख़फ़ी ने काफरों के सामने, काफरों बेईमानों के सामने खड़े होकर अजमत रिसालत और अजमत सहाबा के तराने गाए हैं और बताया है थे उस वक्त भी काफर, लेकिन क्योंकि अजमत के साथ बात की थी, रब ताला ने उनको भी कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। बाज़ बात अल्लाह मुखबर को भी हिदायत दे देता है, बाज़ बात अल्लाह ताला मुखबरी करने वाले को भी हिदायत दे देता है। हो सकता है हक बात सुनकर उनका भी दिल पलट जाए कि नबी पाक की इज्जत अजमत शान हुर्मत पर कत मरना ये एक मुसलमान का काम नहीं है, बल्कि काबा से लेकर काशगढ़ तक हर मुसलमान का काम है। तो पता है उरवा बिन मसूद सख़फ़ी ने क्या कहा, उसने कहा हाँ कुरैश ने मक्का, मैं गया हूँ कैसर रूम के पास, उसका दरबार भी देखा है, मैंने शहनशाह ईरान का दरबार उसका भी मंजर देखा है, मैंने हबशी बादशाह नजाशा नजाशी के मंजर का भी मैंने नजारा किया है। लेकिन खुदा की कसम है, जो नजारा मैं हुदैबिया में मोहम्मद और उलामा ने मोहम्मद का देख कर आया हूं, मैं कहीं नहीं देख सका। वो है अजीजाने मोहतरम, सुनो उसने कहा मैं कुरैशियों सुनो, मैं दरबारों के अंदर गया हूं, ये दरबार वो दरबार नहीं है, ये दरबार वो दरबार नहीं है, मैंने रूमियों के दरबार देखे, मैंने नजाशियों के दरबार देखे, मैंने शहनशाह ईरान के दरबार देखे, लेकिन जो नजारा उलामा ने मोहम्मद उलामा ने मुस्तफा में नजर आया कहीं नजर नहीं आया। उलामा ने मुस्तफा बोले सुभान अल्लाह। मोहतरम ये तजिया है, लगा फिर ये कैसे तुम्हें बदल जरा, क्या तलवारें ज्यादा है, क्या नेजे ज्यादा है, क्या उनके पास असला और सिपाह ज्यादा है? कहा नहीं, उनके पास और तो कुछ नहीं है लेकिन कमली वाले की मोहब्बत है। नबूवत,
उसने बता दिया क़यामत तक मुसलमानों के लिए। मुसलमानों टैंक हो कोई बड़ी बात नहीं है, मिसाइल हो कोई बड़ी बात नहीं है, एटम बम हो कोई बड़ी बात नहीं है, मोटरवे हो कोई बड़ी बात नहीं है, हवाई अड्डे हो कोई बात नहीं है, ये गिरवी रखे जा सकते हैं, लेकिन मोहम्मद का इश्क गिरवी नहीं रखा जा सकता। एयरपोर्ट गिरवी रखे जा सकते हैं, मोटरवे गिरवी रखी जा सकती है, लेकिन ईमान को गिरवी नहीं रखा जा सकता। ये ईमान कल भी मुस्तफा का था, आज भी मुस्तफा का है। ये आज भी गुलामे मुस्तफा है और क़यामत में भी ये कहेंगे सबसे आला वाला, ऊंची बोलो सबसे बाला वाला, पिछले भी बोलो सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, पिछले बोलो हाथ कट के बोलो अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दुल्हा से आला, सब रसूलों से आला, जिनकी दो बूंद है, जिनकी दो बूंद है, जिनकी कदमों की दो बूंद है। अजीज आले मोहतरम आबे हयात वो है जाने मसीहा हमारा नबी। एक बारी हाथ काट के कहो हमारा नबी, सारे कहो हमारा। ये काफिर का नुमाइंदा कह रहा है, कहा कि पानी गिरता है वजू का गिरने नहीं देते, लुआबे दहन गिरता है जमीन पर गिरने नहीं देते, बात करते हैं तो आंखें नीची रखते हैं, बात करते हैं तो आंखें नीची रखते हैं, आवाज़ें पस्त रखते हैं हजूर के सामने, आवाज़ें पस्त रखते हैं, और जब वो हुक्म देते हैं तो फिर रुकते नहीं है, सारे दौड़ पड़ते हैं। मुसलमानों तुम्हारी कामयाबी कल भी हजूर के साथ थी, आज भी हजूर के साथ, नाम ने याद नहीं, नाम ने याद करके दिखाना पड़ेगा। सहाबा ने करके दिखाया, कट के दिखाया, काट कर दिखाया, चाहे मैदान में बाप आ जाए बेटा सामने आ जाए, फिर वो ये नहीं देखते थे ये बाप और बेटा है, वो ये देखते थे ये दुश्मन मुस्तफा है, ये गुलामा ने मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। सुलह हुदैबिया का तजसिया यही बताता है, यही बताता है कि जान सारा ने बदरो ओहद पर दरूद, जान सारा ने बदरो ओहद पर दरूद, हम गुजारे बैयत पर नाखों सलाम।